प्रिय भाई बहन, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपने मेरे पिछले भाग में 6 राशि के विषय में जाना। अब इसके सेकंड भाग में आगे के 6 राशियों के विषय में आपको बताते हैं, जिसमें तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि है। आप जाने इन 6 राशियों का भविष्य फल। इनमें 7वीं राशि है तुला राशि। तुला राशि वाले विपक्ष से रहे सावधान, कारोबार में होगा बंपर लाभ। तुला राशि के लिए नया साल 2023 सफलता लाने वाला है। यह वर्ष मानसिक तनाव से मुक्त होकर खुले आकाश में ऊंचे उड़ान भरने की तैयारी का है। जनवरी में स्नेह देव जी की यह राशि परिवर्तन से शुरू होने वाला नया साल तुला राशि वालों के सफलता का वरदान है। शुरुआती महीने में शनि गुरु का साथ विभिन्न योजनाओं में गंभीरता बढ़ाने वाला है, परिणाम में उत्साहित होंगे। जनवरी से मार्च तक पहली तिमाही में सोचने समझने देखने का नजरिया तेज होगा, संकीर्णता से आगे बढ़ेंगे। मित्रों का सहयोग बना रहेगा, चारों ओर आनंद का वातावरण बना रहेगा, प्रदर्शन अच्छा रहेगा। अप्रैल से जून तक का महीना भाग्यशाली रहेगा, व्यवसाय में उन्नति होगी, नौकरी पेशा और सत्ता से अच्छा काम करेंगे, कर्मठता से अपनी जगह बेहतर बनाएंगे। अपने स्वास्थ्य के मामले में नज़रअंदाज ना करें, संकल्प शक्ति बेहतर बनी रहेगी। खर्च निवेश पर ध्यान दें, रिश्तों में का सम्मान करें। जुलाई से सितंबर तक का महीना तरक्कियों से भरा होगा, उन्नति के अवसर बने रहेंगे, बड़ों का साथ बना रहेगा, भव्यता को बल मिलेगा, पराक्रम में से रास्ते बनेंगे, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अक्टूबर से दिसंबर तक सभी अवरोध हटते नजर आएंगे, कार्य व्यापार में सफलता, आप प्रशासनिक कार्यों में जुड़ेंगे। निवेश के मामले में गंभीर रहें, अपनी योजनाओं का सबसे सबके सामने उजागर करने से बचें। रिश्तों के प्रति नजरिया सकारात्मक होगा, त्वचा संबंधी समस्याओं पर ध्यान दें। प्रियजनों का साथ पाएंगे, चुनौतियों का डटकर मुकाबला करेंगे, प्रेम संबंध मजबूत होगा, आपसी विश्वास बढ़ेगा। वृश्चिक राशि, इस राशि का स्वामी मंगल है, इस कारण से वृश्चिक राशि के जातकों के मुकाबले तेज होता है। ये लोग थोड़े उग्र स्वभाव के होते हैं, इसके अंदर साहस की कोई कमी नहीं होती, ये लोग अपने धुन के पक्के होते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों का स्वभाव थोड़ा खोजबीन करने वाला होता है। वर्ष के शुरुआत में ही महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर लेने की सलाह दी जाती है। कार्य क्षेत्र में कोई परिवर्तन करने से पहले विचार करना आवश्यक है। 17 जनवरी के बाद शनि की ढैया प्रारंभ हो रही है, वैसे या परेशान करने वाली नहीं रहेगी, फिर भी सोच समझ कर निर्णय लेना महत्वपूर्ण है। देव गुरु बृहस्पति पूरे वर्ष आपके लिए सहायक होंगे, पहले तो अप्रैल तक इसके पंचम भाव में होंगे और उसके बाद 6ठे भाव में देव गुरु बृहस्पति का गोचर व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में आपकी सफलता प्रदान करने वाला होगा। नौकरी पेशा जातकों के लिए यह वर्ष उत्तम रहेगा, नई नौकरी मिल सकती है, मिल सहकर्मी आपका सहयोग करेंगे। परिवार के दृष्टिकोण से यह वर्ष शुरुआत में शनि का गोचर 4थे घर में होने से समस्याएं रहेगी, माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, इनका विशेष ध्यान रखें। अगर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो उन्हें कुछ समय के लिए टाल दें। संतान से संबंधित चिंताएं इस वर्ष दूर होगी। स्वास्थ्य का नजरिया, यह वर्ष राहु और केतु के गोचर के कारण स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्याएं दे सकता है। शनि की ढैया भी मानसिक रूप से आपको वर्ष के प्रारंभ में परेशान करेगी। अप्रैल के बाद देव गुरु बृहस्पति का गोचर 6ठे भाव में होने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दूर होगी। इस वर्ष उदर रोग से संबंधित बीमारी आपको परेशान कर सकती है, इसलिए खान पान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। आर्थिक मामले में यह वर्ष बेहतर साबित होने वाला है, पूर्व में किए गए निवेश का फायदा इस वर्ष आपको मिलेगा। अगर कोई प्रॉपर्टी या मकान खरीदने की सोच रहे हैं तो स्वराशि के शनि आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। इस साल अचल संपत्ति में वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है और आमदनी का स्तर भी बढ़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में यह वर्ष छात्रों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। अगर किसी बड़े संस्थान में दाखिल का मन बना रहे हैं तो अप्रैल से पूर्व आपकी इच्छा पूरी होगी। शनि की ढैया कुछ मानसिक रूप से एकाग्रता में कमी लाएगी, किंतु देवगुरु बृहस्पति
इस स्थिति को संभाल लेंगे, आपको पढ़ाई में मन लगेगा। वर्ष की शुरुआत में श्री हनुमान जी की पूजा दर्शन करें और मंगलवार को श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार को सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे लगाएं। धनु राशि के जातक विचारों से बहुत आज़ाद होते हैं। बुद्धिमान लोगों के प्रति यह लोग आसानी से आकर्षित हो जाते हैं। इस राशि के जातक दिल से साफ और विश्वास योग्य होते हैं। कार्य क्षेत्र में यह लोग अच्छा अध्यापक और दार्शनिक साबित होते हैं। धनु राशि के जातक भविष्य को आशावादी नजरों से देखते हैं। इनकी आंखें चमकदार होती है। आप सामान्य रूप से प्रसन्न रहते हैं। वर्ष के शुरुआत में शनि की सारी शक्ति से छुटकारा मिलेगा, एक सुखद संकेत है। नया वर्ष नई उम्मीद नई उपलब्धि के लिए माना जाएगा। इस वर्ष आपको कार्य क्षेत्र में भरपूर सफलता मिलेगी। इस वर्ष आपको कैरियर में अच्छे मुकाम प्राप्त होंगे। यहाँ तक कि आप इतने भाग्यशाली होंगे कि आपको आपके कौशल के दम पर नौकरी मिलेगी। इससे न सिर्फ आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित होंगे। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति अप्रैल तक कोई बड़ा कार्य होने का संकेत दे रहे हैं। अप्रैल के पश्चात बृहस्पति का गोचर मेष राशि में होने से आपको व्यापारिक मामले में आशातीत सफलता होगी। धनु राशि वालों को पारिवारिक जीवन इस वर्ष अच्छा रहेगा। परिवार में कोई मांगलिक कार्य होने के प्रबल संकेत है। अगर आप नया घर लेने की सोच रहे हैं तो यह वर्ष सफलता मिल सकती है। माता पिता की सेहत को लेकर जो चिंताएं चल रही है इस वर्ष दूर होगी। माता पिता को कोई धार्मिक यात्रा करवा सकते हैं। अप्रैल तक संतान से संबंधित जो चिंताएं हैं वह भी खत्म हो जाएगी। इस वर्ष स्वस्थ जीवन के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। शनि की साढ़े शक्ति समाप्त होने से मानसिक चिंताएं दूर होगी जिससे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और राहु का गोचर पंचम भाव में कुछ उधर संबंधी परेशानी दे सकता है। अप्रैल के पश्चात इस परेशानी से छुटकारा मिलेगा, लेकिन खान पान पर ध्यान दें, योग अभ्यास करते रहें। शिक्षा के क्षेत्र में धनु राशि के जातकों को अतिरिक्त मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। एकाग्रता भंग ना हो। पांचवें भाव में राहु का गोचर एकाग्रता को भंग करता है। अप्रैल में देव गुरु बृहस्पति जैसे ही आपके पांचम भाव में गोचर करेंगे शिक्षा के मामले में आशातीत सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। वर्ष के शुरू में भगवान विष्णु को पीले पुष्पों की माला पहनाकर करें और हर गुरुवार को गाय को हरा चारा गुड़ चना आदि खिलाते रहें। घर से दूर किसी पार्क या मंदिर में पीपल के पेड़ के नीचे बृहस्पतिवार को उनकी पूजा करें। मकर राशि का स्वामी शनिदेव है जो न्याय के देवता है और उन्हें पाप ग्रह माना गया है। मकर राशि के व्यक्ति काफ़ी मेहनत और समर्पित और अनुशासनशील होते हैं। ये लोग निडर होते हैं और अच्छे कार्य कुशल माने जाते हैं क्योंकि हर चीज़ को मैनेज करके चलना इनकी आदत है। यह बेहद महत्वाकांक्षी होते हैं और किसी भी गतिविधि को चुनते हैं उस क्षेत्र में बड़ी मेहनत और शीघ्रता से पहुँच जाते हैं। वर्ष के शुरुआत में साढ़े शक्ति के अंतिम चरण हो रहा है। 17 जनवरी को शनि जब कुंभ राशि में प्रवेश करेगा आपके साढ़े शक्ति का अंतिम चरण शुरू हो जाएगा। इसके लिए अच्छा संकेत है। उतरते ही साढ़े शक्ति आपके कैरियर में कुछ अच्छा संकेत देगी। यह वर्ष व्यापारी वर्ग के लिए शुभ रहेगा। आपके व्यापार में उत्तम लाभ होगा। जितना निवेश होगा उसका लाभ होगा। राहु और केतु आपकी नौकरी और व्यापार में कुछ बदलाव के संकेत दे रहे हैं। पराक्रम भाव में बैठे हुए बृहस्पति भाग्य का भी साथ देंगे, लेकिन आपको कड़ा परिश्रम करना होगा। अप्रैल के बाद आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। साल के शुरुआत में पारिवारिक जीवन में परेशानियां देखने को मिल सकती है। इस दौरान आपकी माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। ऐसे में आपको भी मानसिक चिंताएँ परेशान करेगी। अप्रैल में जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर मेष राशि में होगा तो सुधार देखने को मिलेगा। आपकी राशि के स्वामी शनि आपकी मानसिक परेशानियों को कम करना चाहते हैं। अगर कोई पुराना विवाद परिवार को लेकर चल रहा है तो उसका हल होने की संभावना है। इस वर्ष माता को कोई धार्मिक यात्रा करवा सकते हैं। साढ़े शक्ति का अंतिम चरण मानसिक रूप से आपको स्वस्थ रखेगा। जो मानसिक परेशानी पिछले वर्ष थी इस वर्ष आपको उससे छुटकारा मिलेगा। उचित आहार और पर्याप्त नींद लेना फायदेमंद होगा। मई में वाहन
सावधानी से चलाएं क्योंकि तेज गति से दुर्घटना होती है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है। शनि आपके दूसरे भाव में गोचर करेगा और आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाएगा। आर्थिक लाभ होगी। संपत्ति की खरीद और बिक्री से लाभ होगा। जमीन खरीद कर अपना घर बनवाने का काम शुरू करवा सकते हैं। प्रॉपर्टी में निवेश भी आपके लिए फायदेमंद होगा, लेकिन कोई भी कार्य साझेदारी में ना करें, इसके लिए नुकसानदायक साबित होगा। छात्रों के लिए यह वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा श्रेष्ठ साबित होगा, लेकिन अच्छी सफलता के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत है। यदि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कड़ी मेहनत करें, वरना सफलता मिलने में संदेह है। लेकिन यह भी निश्चित है कि अगर कड़ी मेहनत की जाए तो पूरे परिणाम मिलेंगे। आप शनिदेव और हनुमान जी की पूजा करें। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ और पूजन करें, आपको लाभ होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों को अपने काम में दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं होती। इस राशि का नकारात्मक पक्ष केवल यही है कि इनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, लेकिन समूह में एक अच्छे लीडर बनकर उभरते हैं। ये अपनी भावनाओं को जल्दी किसी के समक्ष प्रकट नहीं करते। इनको जो चीज़ें अच्छी और उचित लगती है उसके लिए अंतिम लक्ष्य तक लड़ते हैं। यह वर्ष कुंभ राशि के जातकों की आय में इजाफा हो सकता है। आप अनुशासित होकर अपने कार्य को पूरा करेंगे। एक नए व्यापारिक समझौते होंगे। नए लोगों से मुलाकात होगी जो आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। वर्ष की शुरुआत में दसवां भाव में गुरु और संघ की संयुक्त दृष्टि से आपके व्यवसाय क्षेत्र में प्रगति के संकेत मिल रहे हैं। अपने व्यवसाय से मनोवांछित सफलता पाने के लिए आपको अपने वरिष्ठ व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त होगा। जो लोग नौकरी से जुड़े उन्हें पदोन्नति मिलने के संकेत है। आपके अपनी नौकरी में शांत और ठंडे दिमाग से धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। आपकी राशि में 22 अप्रैल के बाद का समय शुभता की ओर संकेत करता है। बृहस्पति और शनि की संयुक्त दृष्टि से व्यवसायियों को अपेक्षित लाभ मिल सकता है। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। पारिवारिक जीवन में वर्ष की शुरुआत में द्वितीय भाव में स्थित बृहस्पति आपके परिवार में किसी नए सदस्य के जुड़ने का संकेत दे रहा है। या नए सदस्य आपके विवाह या बच्चे के जन्म के रूप में हो सकता है। आपके परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा। स्वास्थ्य के को लेकर मानसिक परेशानियां इस वर्ष रहेगी। छठे भाव में स्वामी चंद्रमा शनि से प्रभावित होगा, इसलिए सर्दी से संबंधित बीमारियां परेशान करिए। एलर्जी अस्थमा के रोगी विशेष रूप से ध्यान रखें। सेहत को सकारात्मक बनाए रखने के लिए निरंतर योगाभ्यास करते रहें। आर्थिक दृष्टिकोण से यह वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा अच्छा साबित होगा। वर्ष के शुरुआत में अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव में गोचर करेंगे। यह वर्ष संपत्ति की वृद्धि का योग बना है, किंतु कोई भी निवेश बहुत सोच समझ कर करें। छात्रों के लिए यह वर्ष विशेष रूप से अधिक परिश्रम करने के लिए साबित होगा। राशि का गोचर कर रहे शनि यह संकेत देता है। शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर है, जहाँ पर अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा। आपकी राशि शनि की 7.5 से प्रभावित है, इसलिए शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शनि मंदिर या पीपल के पेड़ के नीचे नियमित रूप से जलाते रहें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगली राशि मीन राशि है। मीन राशि वाले अक्सर अस्थिर चित्त वृत्ति वाले होते हैं। इस राशि के जातकों का स्वभाव कल्पनाशील होता है, मानवता के धनी होते, गुरु के प्रभाव के कारण बुद्धिमान और विवेकवान होते, कार्य को बड़े ही सोच समझ कर करते हैं। इस वर्ष करियर के मामले में सुखद परिणाम प्राप्त होने के अवसर हैं। राशि स्वामी गुरुदेव बृहस्पति अप्रैल तक इस राशि में गोचर करेंगे। 17 जनवरी से शनि की 7.5 का प्रारंभ हो जाएगा, इसलिए कार्य क्षेत्र में अब सोच समझ कर निर्णय ले। देवगुरु बृहस्पति अप्रैल तक आपके लिए सहायक होंगे। उसके बाद परेशानियां आ सकती है। जो लोग विदेश से संबंधित व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए यह वर्ष लाभदायक सिद्ध हो सकता है। वर्ष के शुरुआत में अप्रैल तक पारिवारिक जीवन शांतिप्रिय बना रहेगा। शनि की 7.5 समय
समय पर पारिवारिक समस्याएं पैदा कर सकती है। कुछ परिवार में संपत्ति संबंधित विवाद भी हो सकते हैं। अप्रैल के बाद विवाद सुलझने की संभावना होगी। वर्ष के प्रारंभ में शनि की साढ़े शक्ति का आगमन कुछ मानसिक परेशानियां देगा। गुरुदेव बृहस्पति तथा गोचर अप्रैल तक आपके स्वास्थ्य की रक्षा करेगा। अप्रैल के बाद स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। उदर रोग, छाती से संबंधित रोग और दांतों से संबंधित परेशानी हो सकती है। आर्थिक मामले में अप्रैल तक का समय खर्चे वाला साबित होगा। शनि का 12वें भाव में गोचर वैसे तो कुछ अनावश्यक खर्च का संकेत करता है, लेकिन फिर भी खर्च बने रहेंगे, आपके बजट को बिगाड़ सकते हैं। अप्रैल के बाद आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार होगा। छात्रों के लिए यह साल अच्छा रहेगा। अक्सर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अप्रैल तक कोई सुखद परिणाम मिलेंगे। शनि की साढ़े शक्ति यह संकेत देती है कि पढ़ाई में परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, किंतु परिश्रम का पूरा परिणाम इसको इस वर्ष मिलेगा। उपाय, बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ के नीचे पानी में गुड़ डालकर जल डाले तथा उसका पूजन करें। बृहस्पतिवार के दिन राम जी की प्रस्तुति करना विशेष लाभदायक है। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल डालना, तेल का दीपक जलाना लाभदायक सिद्ध होगा। धन्यवाद भाइयों बहनों, मैंने यह भविष्यवाणी आपके ज्योतिष गणना के आधार पर की थी। आप अपने कमेंट में इसके विषय में जरूर लिखें तथा सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका जीवन सुखमय हो और मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।